मैं होप करता हूँ कि पहले का जो टेक्निकल एनालिसिस का पहला एपिसोड और दूसरा सेशन था वो आपने देख लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड सेशन की ओर, जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट में क्या चीज़ देखना चाहिए और क्या चीज़ नहीं देखना चाहिए। मार्केट में क्या है, मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट कर लेता है। अगर आप देखोगे तो ये सब जो मैं बार बार बोलता हूँ कि मार्केट क्या है, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। ठीक है, मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट कर लेता है। मान लीजिए किसी चीज़ का वैल्यू बहुत बढ़ गया और उसका वैल्यूएशन उस हिसाब से नहीं है तो मार्केट इसको डिस्काउंट कर लेता है। प्राइस, जो आप प्राइस देख रहे हो और नीचे में टाइम देख रहे हो, ये हो गया आपका प्राइस, ये सब प्राइस है। प्राइस से ही ये कैंडल्स बनती है जिसमें आपको ओपन हाई लो सब दिखता है। और नीचे एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है एक्स एक्सिस। आपको प्राइस भी दिख रहा है और आपको टाइम भी दिख रहा है। उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्राइस और टाइम का मेल बैठता है तभी मार्केट में मूवमेंट आता है कोई चीज़ का। प्राइस मूव्स इन ट्रेंड, जब भी कोई ट्रेंड बनता है तभी प्राइस का मूवमेंट आता है, तभी अपनी कमाई होती है। अगर कोई बुल है और मार्केट में ट्रेंड जो है वो बुलिश है तभी वो पैसा बनाता है। कोई बियरिश है, वो जब मार्केट में बियरिश ट्रेंड होती है तभी पैसा बनाता है। हिस्ट्री जो है मार्केट में वो हमेशा रिपीट करती है, तो आपको ये भी देखना है कि हिस्ट्री कितनी बार रिपीट कर रही है। वो आप कैसे देख पाओगे, जब आप टेक्निकल एनालिसिस पूरी तरीके से सीख जाओगे। और मार्केट में हाउ हाउ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वाई, मतलब कैसे उस चीज का रिएक्शन हो रहा है मार्केट में वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको जानना। क्यों हो रहा है ये नहीं, कैसे हो रहा है, मतलब जैसे ही वो हुआ अब क्या करना चाहिए, मतलब क्यों हो रहा है और कैसे करना है उसमें हाउ कैसे उस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। तो अगर मैंने पहले जो आपको बताया था कि मार्केट में ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करना कैसे सीखें, जब उसको लाइन में आप कन्वर्ट कर देते हो, और आपने अगर वीडियोस देखी होगी तो मैंने बताया था कि फ्राइडे को निफ्टी के बारे में जब एनालिसिस किया था तो एक ट्रेंड लाइन था उसको ब्रेकआउट कर रहा था, तो मैंने बोला था कि आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। तो मार्केट आप देखे होंगे मंडे ट्यूसडे बुलिश ही था, उसके बाद वो साइडवेज हो गया। तो लाइन चार्ट वाला चीज़ आपको समझ में आ गया होगा अभी कि लाइन चार्ट में हम लोग डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स आप ले लीजिए, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो, आप जैसे ही डॉट्स को कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ पता चल जाएगा कि भाई डॉट्स कनेक्ट करने के बाद मार्केट उस हिसाब से मूव करता है। तो मान लीजिए अगर अपन देखते हैं कि ये एक ऊपर से मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे बार बार रिलायंस फंस रहा है, अब हमको इसको कैंडल स्टिक में कन्वर्ट करना है, तो अगर आप देखोगे तो यहीं पे रिलायंस बार बार फंसा है। ठीक है, जब भी कोई भी स्टॉक हो उसका आपको प्लॉटिंग करना है तो सिंपल आप पहले लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद उसको कैंडल स्टिक में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ कैंडल स्टिक्स देखोगे तो बहुत सारे कैंडल स्टिक्स हैं, वॉल्यूम कैंडल स्टिक्स, हॉलो कैंडल स्टिक्स, बार कैंडल स्टिक्स, लाइन लाइन विथ मार्केट, स्टेप लाइन, एरिया एच एल सी एरिया, बेस लाइन। अगर मान लीजिए आप कैंडल स्टिक्स ही देखते हो तो कैंडल स्टिक्स में ही बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं जिसको आप अलग अलग टाइम फ्रेम में चेंज करके देख सकते हो। आप 1 आवर में भी चेंज करके देख सकते हो उसे, मंथली में भी चेंज करके देख सकते हो। और ये जो नीचे में मैंने अभी लगाया है ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे लगाते हैं, तो वॉल्यूम चार्ट हम लोग लगाते हैं जब अपन इंडिकेटर में जाते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम टाइप करते हैं वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम चार्ट आता है। तो वॉल्यूम चार्ट में जब आप यहाँ पे जाओगे तो आप यहाँ पे अपने आप पुट कर पाओगे कि हमको कितना दिन का मूविंग एवरेज लेना है जिससे हम ये पता कर पाए कि अब जो कैंडल बन रही है वो 5 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर है कि नहीं है। तो आप इसको
चेंज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। जब भी आप यहाँ पे देखोगे बड़े कैंडल्स एवरेज के ऊपर बनने लगे, आप देखोगे मार्केट वहाँ से बुलिश हुआ है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखते हो तो वॉल्यूम लगाए हैं हम लोग प्राइस एक्शन के साथ, मतलब कैंडल स्टिक्स के साथ, तो कैंडल स्टिक्स उस हिसाब से भी रिएक्ट करती है। इसमें आप अगर ठीक से देखोगे, जब आप यहाँ पे लगा रहे हो तो वहाँ ऊपर साइड में आपको एक वॉल्यूम दिखाएगा। तो जब आप वॉल्यूम देखते हो इसी कैंडल स्टिक में, जब आप क्लिक करके वॉल्यूम्स देखते हो, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ कैंडल स्टिक्स में वॉल्यूम भी दिखाता है। ये वॉल्यूम ही आपको बताता है कि कितना मिलियंस का आज डिलीवरी हुआ है, कितना आज आप बाइंग हुआ है, वो आप देख के जज कर पाओगे। दूसरा चीज, जब भी हम कैंडल स्टिक्स की बात करते हैं तो ये जो कैंडल स्टिक्स है, ये आपको ये डिसाइड करने में हेल्प करती है कि अभी मार्केट में जो ट्रेंड्स चल रहे हैं, ये एक मान लीजिए कैंडल स्टिक है। अब आप जब भी देखते हो कैंडल स्टिक को, तो यहाँ पे एक विग होता है, तो कहीं ओपनिंग होगा मार्केट में, कहीं क्लोजिंग होगा, कहीं हाई होगा, कहीं लो होगा। तो ये कैंडल स्टिक कंप्लीट आपको देखने आना चाहिए, तभी आप मार्केट में कैंडल स्टिक के साथ मार्केट को जज कर पाओगे। मार्केट में एक कॉन्सेप्ट होता है हायर हाई और हायर लोज या लोअर लोज। ये कॉन्सेप्ट पकड़ के ही आप ये चीज़ समझ पाओगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए कोई स्टॉक है, वो हर मंथ हाई बना रहा है। जैसे आप अगर रिलायंस देख रहे हो, तो ये जब इस मंथ में हाई बनाया, फिर नेक्स्ट मंथ में हाई बनाया, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि ये अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में है, तो नेक्स्ट मंथ भी ये बुलिश ही रहेगा, ठीक है। और अगर वीकली में भी अगर आप उस चीज़ को देखते हो कि वीक में अगर कोई स्टॉक है वो वीकली में हाई बना रहा है, मान लीजिए ये एक आप देख रहे हो कि यहाँ एक रेजिस्टेंस था और वीकली में वो चार्ट में रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो आप वीकली में उसको आप बाई करोगे और प्रीवियस वीक का लो को स्टॉप लॉस लोगे, तब जाके आप उसको ट्रेड कर पाओगे अच्छी तरीके से। एक रेंज में जब कोई स्टॉक आ जाता है तो जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उतना ही अच्छा ब्रेकआउट होता है। तो मान लीजिए अगर 5-6 हफ्ता कोई स्टॉक एक ही रेंज में रुक गया, तो आपको ये डिसाइड करना है कि अब जब ये रेक्टेंगल को ब्रेक करेगा, ये बॉक्स को ब्रेक करेगा, तो हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो तब आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस बाई लगाना चाहिए। और अगर नीचे उसके प्राइस आपको खरीदने का मन है तो आपको लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। तो ये सब फर्दर अपन बात करेंगे कि लिमिट ऑर्डर क्या है, स्टॉप लॉस बाई क्या है मार्केट में, मार्केट में अपन ट्रेंड को कैसे जज करते हैं, हायर हाइज क्या होती है, हायर लोज क्या होते हैं, ठीक है। अभी जो भी चीज़ अपन बता रहे हैं मार्केट में और टेक्निकल एनालिसिस में, आप उसको सर्च करते रहिए, लिखते रहिए, आप भी चार्ट को ओपन करके बैठिए, तब जाके एक हैंड होल्डिंग होगा और एक अच्छा खासा आपको ग्रिपिंग मिलेगी टेक्निकल एनालिसिस में। अगर हमारी वीडियोज़ में आपको कोई भी कमी दिख रही है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन हम लोग वीडियोस शॉर्ट्स ही बनाएंगे, 10 मिनट का, 9 मिनट का, जिससे क्या हो ना, कोई भी ऑडियंस हो ज़रूर अपना वीडियो 8 मिनट 9 मिनट तक पूरा देखे और अच्छे तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीख पाए। तो चंक में बहुत एक बार में नहीं देते अपन, दो दो वीडियो हर हफ्ता आपको देंगे, आप कोशिश कीजिए सीखने का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में अपन अभी जो आने वाला है उसी में 4th वीडियो में अपन सीखेंगे कि क्या होता है कैंडलस्टिक और हायर हाइज हायर लोज का मतलब क्या है।